ये पश्चिमी यूपी का सियासी मैदान है, जहाँ किसान मुद्दा है, मुजफ्फरनगर के दंगे मुद्दा है, कैराना का पलायन मुद्दा है, ध्रुवीकरण है, तुष्टीकरण है, हेट स्पीच है और धमकियां हैं। आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे कि कैसे होता है, कैसे होते हैं मेरे भाइयों, लड़ाई छोटी सी नहीं है। ये मेरठ दक्षिण सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदिल चौधरी हैं। सरेआम धमकी दे रहे हैं कि वापस सरकार में आए तो छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन कर बदला लेंगे। लेकिन जब मीडिया के कैमरे सामने आए तो जुबान नेताओं वाली हो गई, वीडियो की विश्वसनीयता पर सवाल करने लगे। ये भारतीय चौधरी बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये हमारी सोच नहीं है। नहीं, वो वीडियो में क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, हमारा नहीं, ये हमें नहीं पता। देखो एक बात सुनो, ये हम क्या बोल रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, तो ऐसा हमारा क्या कुछ बोला नहीं। था आपने? नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो कोई बात सुनो, क्या बोला था आपने, किस संदर्भ में बोला? हमने किसी संदर्भ में नहीं बोला और हमारा आगे भी यही है कि हम सबके हाँ काम करेंगे। हमारी भाजपा वाली सोच नहीं है, हमारी सरकार आ रही है और इंशाल्लाह जैसे हम पहले काम करते थे ऐसे काम करेंगे। आदिल चाहे जो कहे, लेकिन इस वीडियो ने बीजेपी को सियासी मसाला दे दिया। एक के बाद एक बीजेपी नेताओं ने वीडियो शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। सपा गुंडों और माफियाओं को टिकट देकर कौन सा उत्तम प्रदेश बनाना चाहती है? ऐसे गुंडों के लिए दोबारा योगी सरकार जरूरी है, ताकि गुंडों पर बुलडोजर चलता रहे। समाजवादी पार्टी तो मामले में चुप है, लेकिन कांग्रेस अब आदिल के बचाव में आ गई। समाजवादी पार्टी का चेहरा बेनकाब करते हैं आदिल चौधरी जैसे लोग। आदिल चौधरी जैसे लोग, अभी समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आई है तभी इनके स्वर है। जरा कल्पना करिए कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है तो इनके स्वर कैसे होंगे। ये अपने पेशाब से चिराग जलवा देंगे, ये चुन चुन करके बदला लेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता इनके इन स्वर को सुन रही है और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को याद कर रही है। एडिटेड फुटेज दिखाकर भारतीय जनता पार्टी के अमित मालवी या संबित पात्रा या पूरी भारतीय जनता पार्टी की ट्रॉल आर्मी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव को हिंदू मुसलमान करना चाहती है, इसका संज्ञान चुनाव आयोग को लेना चाहिए और इनकी मान्यता रद्द करने पर विचार करना चाहिए। वीडियो पर सियासत तेज हुई तो पुलिस भी एक्शन में आई। मेरठ पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया है और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। हमने देखा, एक वीडियो देखा ट्विटर पे, हमको मिला था उस ट्विटर पे, हमने देखा वीडियो, हमको संदर्भित किया गया था। किसका वीडियो, क्या उसके अंदर आता है? मैं आपको बता दिया ना मैंने, जो उसमें कुछ बातें उन्होंने कही है, मेरे द्वारा उसको यहाँ रिपीट करना तो ठीक नहीं है। ये श्री आदिल चौधरी जो मेरठ दक्षिण से है, उनका वीडियो बताया जा रहा है, उसका परीक्षण किया जा रहा है। यदि उसमें कोई ऐसी बात आएगी जो कि अवांछनीय है, जो कि किसी भी प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन है, तो उस पर विधिक राय लेकर कार्रवाई की जाएगी। ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की जिस पिच पर बल्लेबाजी करने के लिए बीजेपी तैयार है, उस पिच पर अखिलेश को भी खेलने से कोई परेशानी नहीं है। यही वजह है कि कैराना की सीट से नाहिद हसन को तमाम सियासी बवाल के बावजूद एसपी ने टिकट दिया है, जहां वो जेल से चुनाव लड़ेंगे। नाहिद मैदान पर उतर चुके हैं तो सोशल मीडिया में एक के बाद एक हेट स्पीच वायरल होनी शुरू हो गई। अपने इन भाइयों के लिए जो उजाड़ दिए, इनके लिए जो है और हमारे लिए सबके लिए, हम सबकी बेहतराई इसी में ही है। थोड़े दिन का कष्ट उठा लो, इधर उधर ले लो, ये जो बाजार में ये जो लोग भाजपा के बैठे हैं, इनकी तबीयत में सुधार आ जाएगा। इन्हें पता चल जाएगा जो है हमारे पैसों से ही, हमारे हम जब चीज लेते हैं तब इनका घर चलता है, और इनके घर चलने की वजह से आज हम लोगों पे जो है जूता बजाया जा रहा। जिस कैराना से बीजेपी लगातार पलायन के मुद्दे पर मैदान में है, जिस कैराना की गलियों से अमित शाह ने अपने पश्चिमी यूपी के मिशन की शुरुआत की, वहां से अखिलेश का नाहिद हसन को उतारने से संदेश बेहद साफ है। पश्चिमी यूपी में अब मजहबी मुद्दों पर ही मारधाड़ है। क्या अखिलेश ने नाहिद हसन, आदिल चौधरी जैसे हिंदू विरोधी गुंडों को ही टिकट दिया है? अखिलेश के मुस्लिम तुष्टीकरण के कार्ड में एक राहत भरी खबर आई, आजम खान को चुनाव लड़ने की हरी झंडी मिल चुकी है। आजम खान मुलायम के विश्वस्त हैं, अखिलेश के भी अजीज हैं, यूपी के बड़े मुस्लिम चेहरे। अदालत ने आजम खान के नामांकन को मंजूरी दे दी है। मोहम्मद आजम खान साहब के ऊपर सबसे ज्यादा मुकदमे बीजेपी सरकार में लगे हैं। जितने भी मुकदमे लगे हैं मोहम्मद आजम खान साहब पे, ज्यादा से ज्यादा मुकदमे भारतीय जनता पार्टी ने लगाए और उन्होंने अपने अधिकारी पोस्ट करके लगाए। जहां तक नाहिद हसन का मामला है, नाहिद हसन पे भी सबसे ज्यादा मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए। लेकिन बीजेपी को पश्चिमी यूपी के चुनाव तक कोई और मोर्चा मंजूर नहीं है।
अब योगी सरकार के एक मंत्री ने अखिलेश को औरंगजेब बताकर मंसूबा साफ कर दिया है। देखिए, अखिलेश यादव औरंगजेब हैं ये दूसरे, और जैसे औरंगजेब ने अपने बाप को कैद करके मार के खिपरा में पानी पिलाते थे, ऐसे ही आदरणीय मुलायम सिंह जी को उन्होंने कैद कर दिया है, उनको बंद कर दिया है, घर में बंद हैं आदरणीय मुलायम सिंह जी। जब चाहते हैं जब बुला लेते हैं, जब चाहते हैं जब उनको घर में बिठा देते हैं। तो इसलिए ऐसे औरंगजेब के विषय में मुझे कुछ नहीं कहना। डिजिटल प्रचार पर जोर है, भड़काऊ भाषण वायरल हो रहे हैं, मंचों से आग उगली जा रही है। जहां जंग बीजेपी और एसपी की है, जहां जंग हिंदू मुस्लिम की सियासत की है, जहां हर पार्टी अपने वोट बैंक के हिसाब से सियासी खेल खेल रही है। मेरठ से उस्मान चौधरी और अलीगढ़ से शिवम सारस्वत के साथ आज तक ब्यूरो।